स्वागत है आप सबका एक और नए मिशन में। अब आप सब सोच रहे हो कि हम फ्रैंकिन के कैरेक्टर से ट्रेवर में कैसे आ गए, और ये आप देखा होगा जैसे कि जिमी भड़वे का मैसेज आया था, वो अपने पापा के बारे में बुराई कर रहा था, मतलब माइकल के बारे में बुराई कर रहा था। तो अब मैंने सोचा कि टी पे जाते हैं, कोई मिशन तो मिलेगा, क्योंकि फ्रैंकिन के ना नॉर्मल जॉब्स मिल रही थी, और ये लॉस सैंटोस के बारे में बात कर रहा है कि कैसा है, अपना रोन भाई बात कर रहा है, और ब्रेड का मैसेज आता हुआ, ये ब्रेड जिंदा है क्या ब्रेड कह रहा कि तुम मिलने क्यों नहीं आए मेरे यार इधर। तो देखती है अब क्या होता है क्या नहीं होता। ये किसका फोन आया है? ये कह रहा है जो मैं गैस चैम्बर के पास मिला था ना, जब मिस्टर फ्रेंडन कैरिमोव को किडनैप किया था। अच्छा, तो हम मिस्टर फ्रेंडन कैरिमोव का पूरा हल निकाल लेंगे कि क्या होगा उसके साथ। अच्छा, देखते हैं। माइकल के करेक्टर में आ चुका हूँ, और माइकल यहाँ पे पूरा अच्छे से फूंकता हुआ, फूकने के अलावा इसको कोई काम नहीं है, पति ने छोड़ दिया इसको, घर वालों ने छोड़ दिया। अब वो बोलता हुआ कि ड्राइवर शेप में आ जाओ, क्या कर रहे हो, क्या करते रहते तुम पूरे दिन, शेप में आओ यार, क्या करते रहते हो, चलो अब अंदर जा रहे हैं। और डेव नॉटन उसका बॉस स्टीव उसको बोल आता हुआ, लेडीज ओ लेडीज। और यहाँ पे वही गैस चैम्बर पे जो बंदा मिला था, जो मिस्टर फ्रेंडन कैरिमोव को वैन में लेके बंद करने के लिए ले गया था। तो अब देखते हैं क्या। तो कह रहा है कि मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, हमें एक बंदे से सारे निकालना है, जवान से उसके सब कुछ निकालना है। तो कह रहा हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वो मिस्टर फ्रेंडन कैरिमोव से निकालना है उसकी जवान से। कह रहा इसका एक वो था, ये एक टेररिस्ट के बारे में जानता है जिसका नाम है ताहिर जवान, तो उसके बारे में तो वो बता रहा है कि वो है अफगानिस्तान का है, मतलब वो टेररिस्ट जहाँ से होते हैं ना वहाँ का है। तो कह रहा और तुम बताओ। वो कह रहा है जहाँ पे माइकल रहता है ना वहाँ पे रहता है। तो कह रहा मुझे दर्द होगी, प्लीज रोक, वही हिल्स में रहता है जहाँ पे माइकल रहता है ना, रॉकवुड हिल्स में, मतलब वहीं रहता है। तो माइकल को भेज दिया गया स्नाइपर लेके स्टीव हैनिस के द्वारा, और अपना ट्रेवर बिल्कुल तैयार है टॉर्चर करने के लिए बिल्कुल। तो अब हम जा रहे हैं डेव नॉटन और माइकल उसको ढूंढने के लिए, कि अपने घर की तरफ ही जाना है, उसी घर के तो पास ही साथ वाला घर है, नेबर में है। तो माइकल भी ये कहता हुआ, ये मेरे पास में था और मुझे पता भी चला, तुम पहले बता देते मैं वहीं से ठोक देता। अब ये डेव और उसमें बात होती हुई, कुछ ये ट्रेवर से छुपा रहे हैं। अब देखते क्या छुपा रहे हैं। तो कह रहा है कि पुरानी यादों में आ जाओ, अब हम वैसे ही काम करने वाले हैं। कह रहे ट्रैवल को पता चल गया ना तो मेरी पूरी फैमिली को तबाह कर देगा और मेरे को भी तबाह कर देगा, और ये सब कुछ सलामत नहीं रहेगा, माइकल ऐसा कहता हुआ। तो क्या छुपा रहे हैं ट्रैवल के सामने, क्या छुपा रहे हैं? कह रहे 10 साल पहले का राज है, कोई तो राज है। अब ब्रेड के बारे में कह रहे हो, अच्छा भाई ये ब्रेड का जो ये मैसेज आया था ना ट्रैवल के पास, नकली था, डेव ने भिजवाया था। कह रहा है ये एक और भिजवा दूं मैं नकली। ओ भाई ब्रेड मर गया इसका मतलब, और हम उसी घर के पास आ चुके हैं, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। अच्छा ये कौन है, शूटिंग वूटिंग चल रही है यार? नहीं यार ये घर नहीं है। डेव फोन कर यार उसको, डेव फोन करके कह रहा हुआ ये घर नहीं है, कुछ उससे पूछताछ करो, ये घर नहीं है जब तक हम कॉफ़ी पी के आ रहे हैं। तो अपने ड्राइवर भाई क्या चुने इसके लिए, मैं सोच रहा हूँ इलेक्ट्रिक जैप चुन लेता हूँ इसको मारने के लिए। हाँ इलेक्ट्रिक जैप बढ़िया है इसके, और इसके निप इलेक्ट्रिक जैप के झटके मिलते हो इसको, पूरा तंत्रहा दिया, धुएं निकाल दिए इसके निप्पल से। चलो अभी भी बता रहा है कि हाँ ताहिर है, ताहिर जवान के बारे में बता रहा है, और कह रहा है वहीं रहा है, वो चुमाश में रहता है वेस्टर्न हाईवे में। और ये देखो जादू दिखाऊं तुमको, ये जादू देखा तुमने, ये देख रहे कप कैसे हवा में था, देख रहे हो ना गाइस कप कैसे हवा में था। हाँ चलो अब चुमाश चलते हैं हम, और वहाँ ढूंढते हैं, और फिर से वही बात करते हो कि ट्रैवल के बारे में यार, हमारे जो रिश्ते हैं ट्रैवल के प्रति वो ख़राब हो जाएंगे सारे। तो वो कह रहा है, डेव पूछ रहा है माइकल से कि जब भी वो ट्रैवल ब्रेड के बारे में बात करता है तो क्या तुम क्या कहते हो, जो नॉर्थ हैंगटन की बात है ब्रेड के बारे में कभी भी बात करता है तो क्या कहते हो? तो माइकल बता रहा है डेव को कि जब भी बात करता है मैं अपना सब्जेक्ट ही चेंज कर देता हूँ, मतलब बात ही बदल देता है। तो वो कह रहा है ऐसे ही करते रहो जब तक चल रहा है, नहीं तो मैं जब तक उसको भिजवा दूंगा, मतलब सेकंड मैसेज भिजवाएगा अभी उसको, ड्राइवर को भिजवाएगा एक और मैसेज भिजवाएगा। और अब हम चुमाश में आ चुके हैं जो वेस्टर्न हाईवे के ऊपर है। तो देखते हैं, आप स्नाइपर निकाल लिया है आपने माइकल भाई ने, और अब कह रहा है कि इससे पूछो, टॉर्चर करो, क्या पूछे इससे, क्या पूछना है कि कैसा दिखता है। प्लास ले लिया, मैं प्लास से करूंगा इसकी ऐसी तैसी, दांत निकालना है प्लास से इसका। तो निकालते हैं ना दांत, क्यों नहीं निकालेंगे इसकी ऐसी तैसी करेंगे, दांत को क्लॉकवाइज घुमाना, निकल जाए यार दांत, क्यों नहीं निकल रहा, फर्स्ट ट्राई हमारी, फर्स्ट ट्राई में निकलना चाहिए, ये नहीं बदनाम होते सेकंड थर्ड ट्राई में हमारा हो ऐसे तैसे निकले ना, अभी भी नहीं निकला सेकंड ट्राई में तो निकल ही जाता यार, बेस्टी करा दिया यार प्लास वाली, यार इंजेक्शन ठोकते आराम से खींच देते, खींच नहीं रहा यार, इतनी जान लगानी पड़ी, इतना पक्का दांत है इसका, अबे भाई इतना पक्का दांत रखता है कोई अपना, अभी भी नहीं निकला, थर्ड ट्राई में तो निकल जाना चाहिए यार, इतने पक्के दांत किसके होते हैं यार, आराम से निकल जाते हैं, वैसे भी मिडिल एज के आराम से निकल ही जाने चाहिए इसके दांत, अब तो निकल जा, अरे निकल यार, क्या बात कर रहा है, निकाल दिए इसके दांत, हमने दांत निकाल दिए इसके, यस हमने दांत निकाल दिए। वो कह रहा तुम्हें दर्द होगी, कोई नहीं। अब पूछता हुआ स्टीव उससे कि बताओ
मिडल एज है और एवरेज हाइट है उसकी, तो कह रहा बताओ मिडल एज और एवरेज हाइट और अफगानिस्तान जैसा है मतलब, तो उसने ऐसी एक टर्म लिया जो अफगानिस्तान के बंदों से रिलेट करती है। अफगानिस्तान मतलब जैसे अफगानिस्तान के बंदे होते हैं ना वैसे, मतलब ऊंची ऊंची दाढ़ी वैसे जैसे टेररिस्ट दिखते हैं, तो यहाँ पे तो हमारे को 5 बंदे दिख रहे हैं वो जैसे होते हैं वो बड़ी दाढ़ी वाले। तो कह रहे हैं और बता बहुत लेट हो गया, आप कुछ और करो ट्रैवल इसके साथ। तो क्या ले हम इसको साथ करने के लिए? हाँ ये वाटर बोर्डिंग लेते हैं, इसके अंदर पानी भरा, इसके मुंह पे मारेंगे पैन के चुतड़ के, कैसे नहीं बताएगा, उल्टा लेट दिया कोड़ा कर दिया इसको हमने, अब फेंकेंगे इसके मुंह पे पानी। दर्र हाँ पानी फेंक दिया, अब बताना बता, अभी भी काफ़ी नहीं है इसके लिए, फेंकना पड़ेगा और फेंकना पड़ेगा। हाँ अब बता खड़े करो इसको, बता 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 और बता। इसकी हार्ट बीट हो गई है, अडरनल साइरेजिन देनी पड़ेगी इसको, नहीं तो मर जाएगा ये। हाँ दे दिया हमने अडरनल साइरेजिन, तो अब देखते हैं बताएगा ये क्या, अब दुखाड़ दिया, अब बता भाई। हाँ स्टीव पूछेगा ना इससे, हाँ और बता और बता, कह रहा है और मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी बता। अच्छा वो कह रहा है उसकी बीएड बहुत लंबी लंबी है, और बीएड बहुत लंबी है, देखो ध्यान से बहुत बीएड लंबी है और बाल्ड है मतलब गंजा है ऊपर से, ऐसे दिखा रहे हैं। तो एक ने तो टोपी डाली हुई है, ये तो पता नहीं चल रहा, एक और है फिर दाढ़ी वाला वही आ जाता है। तो फिर देखते हैं दोबारा से पूछते हैं यार, अच्छे से बात पता नहीं चल रही कि यहाँ पे तो 5-6 है ना, तो और बता। अरे बहुत लेट हो गया, अब तेरे को करना पड़ेगा ड्राइवर कुछ कर इसके साथ। ये रेंच लेते हैं, ये प्लम्बर वाला, हाँ ये प्लम्बर वाला रेंच लेते हैं, इसकी ऐसी तची करते हैं, रुको ये पैरों पे मारा प्लम्बर वाला रेंच। अब तो बता मिस्टर के बता यार। अच्छा चेन स्मोकर है, लेफ्ट हैंडेड है और वो रेडवुड सिगरेट फूकता है। अच्छा 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 अब रेडवुड सिगरेट फूकता है और बहुत बहुत फूकता है, चेन स्मोकर है। अब माइकल ढूंढता हुआ उसको, लेफ्ट हैंडेड, ये तो राइट हैंडेड है, ये भी स्मोकर ही लग रहा है, चेन स्मोकर मे बी, ये नहीं है, ये तो गंजा भी नहीं है, ये तो लड़की के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है। हाँ हाँ अब हाँ ये रहा, यही है लेफ्ट हैंडेड, यही है मार दे ठोक रहा हूँ मैं, माइकल को अपना मिल गया निशाना और ठोक दिया, हेडशॉट फुल हेडशॉट, बंदे वहाँ से पार्टी से भागते हुए क्योंकि बंदे मर गया है, और माइकल ने अपना काम कर दिया। और डेव नॉटन का जो बॉस है स्टीव, वो ट्रेवर को कह रहा है कि इसको फेंक के आ जाओ, मार दो कहीं, दफना वफना दो। तो अब ट्रेवर, लेकिन ट्रेवर कह रहा है कि यहाँ फाटक बंद हो रहा था, हमने फाटक बंद होने से पहले ही उसको बोल दिया, और वो कह रहा है कि मैं सब भूल जाओ, सब तुम्हें एक टाइम पे बताने देना था, मेरे को इतनी दया आ रही थी तुम्हें, ट्रेवर ऐसा कह रहा है कि मेरे को तुम पे इतनी दया आ रही थी, तुम्हें एक ही बार बता देना चाहिए था। कह रहा मेरा परिवार है, मिस्टर के कहता हुआ, मिस्टर मतलब मिस्टर फ्रेंडिनन के कहता हुआ, मेरा परिवार है, मेरे को उनके पास जान दो, मेरे को प्लीज़ मारो मत। और अपना ट्रेवर में भी दयालु है, वो नहीं मारेगा, हाँ उसको एयरपोर्ट के लिए ले जा रहा है, और कह रहा है तुम्हें पहले ही एडमिट कर लेना था सब कुछ, अब तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताओगे, तभी मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ूंगा, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। तो अब हम आ चुके हैं एयरपोर्ट, और उसको एयरपोर्ट छोड़ देते हैं, हाँ धक्का निकाल के छोड़ेंगे, जा यार नहीं मार रहे तेरे को, जा जा आराम से चल जा, नहीं तो धक्का दे के महकेंगे, जल्दी जा, नहीं मार रहे ना, ड्राइवर ने दया दिखा दी अपनी, ड्राइवर ने दया, चल जा भाग के जा शांति से आराम से भाग, हाँ छोड़ दिया। चलो गाइस हमारा यहीं पे मिशन पास होता हुआ, बाय द बुक नाम है जिसका, और मिलते हैं अगली वीडियो में और वही टाइम 7 बजे, तो जब तक सब्सक्राइब लाइक कर देना, ठीक है, बार बार बोलूंगा नहीं, टेक केयर गाइस।